लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी एसपी सिन्हा जी कि ये कहा जा रहा था कि देखिए हालात अब घाटी में बहुत सही हो गए हैं डिमोनेटाइजेशन की वजह से, कोई फंडिंग टेररिस्ट ग्रुप को नहीं मिल रहा, अलगाववादियों को कोई फंडिंग नहीं हो रही। अब ऐसे में जहां सीधे सेना के ही कैंप पर ठीक उरी की तरह अगर हमला होता है तो जाहिर तौर पर एक मैकेनिज्म तो है जो अभी भी मदद पहुंचा रहा है पाकिस्तानी आतंकियों को, कैसे ये संभव हो पाया? क्या डिमोनेटाइजेशन से जो फ़ायदे की हम बात कर रहे थे वो हमने ज़्यादा एसेस कर लिया? देखिए इसका यदि होलिस्टिक पिक्चर देखिए, तस्वीर देखिए जी, तो आप सोचिएगा कि खाली 500,000 रुपए के नोट्स कैंसिल करने से, रद्द करने से पूरी तरह से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है पहली बात जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का डिफेंस, सिक्योरिटी और इंटरनेशनल अफेयर्स का पॉलिसी कौन डिसाइड करता है जी? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं डिसाइड करता, पाकिस्तान आर्मी और ISI ये डिसाइड करती है। तो जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, चाहे वो राहिल शरीफ हो, चाहे वो जनरल बाजवा हो, उनके लिए तो और राहत हो गई क्योंकि राहिल अगर रहते तो कहा जा रहा था कि शरीफ सरकार को खतरा है, तो सुनिए बदल जाना जनरल तो उनके लिए फायदे की बात हो गई, लेकिन आर्मी तो एक ही जैसा है, नेचर ऑफ देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना कि आर्मी की सोच में, उसकी अप्रोच में कोई फर्क नहीं आने वाला है जी। क्योंकि आर्मी इसी बात से शक्ति डिराइव करती है कि हिंदुस्तान से घृणा करते रहो, हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते रहो, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते रहो, आतंकवादियों को सपोर्ट देते रहो, उनको फंडिंग करते रहो, उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग करो मुजफ्फराबाद कोटला में और तबाही करते रहो। ये उनका पॉपुलैरिटी, उनसे उनका TRP बढ़ती है। तो जिस चीज़ से वो शक्ति डिराइव करते हैं उस नल को तो बंद नहीं कर सकते, पहली बात। और चेंज इन गार्ड जो हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कुर्सी में, उससे कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि फर्क पहली बात की अभी जो इंसिडेंट हुआ है ये है विदेश, मतलब विदाई का संदेश है राहिल शरीफ के माध्यम से कि हम जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा हम लोग का पैटर्न है बिहेवियर का, ये चलता रहेगा। दूसरी बात है, ये संदेश है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा के, जनरल बाजवा की तरफ से कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये एक रोग स्टेट है अभिलाषा जी। डीमोनेटाइजेशन से इसका कोई नहीं, डीमोनेटाइजेशन नहीं, देखिए डीमोनेटाइजेशन से पाकिस्तान के लिए समस्याएं बड़ी है। आप देखिए कश्मीर में लोग बैंक में पैसा जमा करने गए तो 43% फेक करेंसी नोट्स थे, 43%। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आधा जो करेंसी जम्मू कश्मीर में चल रहा था वो फेक था। पाकिस्तान में करीब 14 लाख करोड़ से ज्यादा फेक करेंसी नोट हैं। अभी हाल ही में 2500 करोड़ का प्रिंटिंग हुआ है। तो नेपाल के माध्यम से, जिससे हमारा बॉर्डर पोरस है, श्रीलंका के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, लेकिन आतंकियों के पास से 2000 के नोट मिले हैं, तो अभिलाषा जी तरह से देखें? अभिलाषा जी बड़ा सिंपल है, प्रॉब्लम समस्या है कि इस देश में, हमारे ही देश के अंदर जयचंद बैठे हैं, स्लीपर सेल्स हैं। यदि स्लीपर सेल का बंदा जिसके पास राशन कार्ड है, ये है, वो बैंक में जाता है और चेंज करवाता है नॉर्मल नोट की बात कर रहा हूँ 2000, और जो कि पाकिस्तान आतंकवादी को देता है, ISI के एजेंट्स को दे देता है, आप कैसे रोक सकती है? हमारी जो 100% पॉपुलेशन को आप स्क्रीन नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं है जी। तो यदि हम और अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को और एक्टिवेट करें और जो लोग ये स्लीपर सेल्स हैं उनका हम उन पे यदि ध्यान रखें और अपनी कानूनी प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया है उतना टफ करें और फास्ट रोक नोट उनके